रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि रक्तदान स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना फायदेमंद है। संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रक्तदान बहुत ही लाभकारी है। रक्तदान करने से कई शारीरिक लाभ होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक लाभ उसे भी अधिक होता है। जब आप रक्तदान करते हैं तो आपको एक अलग ही सुखद अनुभूति होती है। यह एहसास कि आपकी खून की वजह से किसी की जान बच गई है आपको खुशी देता है। यह खुशी आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए जरूरी है और रक्तदान करने से आप मानसिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। इसी से प्रेरित होकर वसई के सेराज अहमद और उनके मित्र विनोद कुमार ने रक्तदान कर रक्तदान सर्वोत्तम दान है इसके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी से रक्तदान के जन जागृति को लेकर निवेदन किया। आइए जानते हैं पूरी खबर। सेराज अहमद, मैं यूपी जिला बस्ती ग्राम जय विजय का रहने वाला हूं और ये मैं दूसरी बार खून डोनेट करने आया हूं और खून डोनेट मुझे पता भी नहीं था खून डोनेट होता क्या है। ये मेरे साथ में एक वर्कर थे, काम करते थे रंजीत भाई, उसने मुझे बताया कि सिराज भाई खून डोनेट से फ़ायदा क्या है और इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है। और आज जो देश में और विदेश में लोग का जो डेट हो रहा है खून ना मिलने के कारण, और आज जो लोग कैंसर की बीमारियां, हार्ट अटैक की बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां से जो लोग की डेट हो रही है, इसकी जिम्मेदार केवल स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रालय है। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय महीने में एक बार मीडिया पे आके डिबेट करवाएं, डॉक्टर को बैठ के जनता को बताएं, तो जनता इससे जागरूक होगी और जनता को पता चलेगा कि खून डोनेट करने से हमारा क्या लाभ है, इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है। तो जनता को ये बात पता नहीं है, गांव वाले को बिल्कुल नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता है। मेरे गांव में 600 घर हैं, 600 घर के अंदर अगर एक व्यक्ति भी डोनेट किया हो, शायद आज मैं पहला व्यक्ति हूँ अपने गांव का जो मैं खून डोनेट किया हूँ। आज मीडिया के माध्यम से देश विदेश पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि डोनेट के माध्यम से ये न्यूज़ चलाया जाए और महीने में एक बार कम से कम इस पर डिबेट करवाया जाए, डॉक्टर को बैठा के, आवाम को बैठा के। और रही हमारे फ़ायदे की बात, आज हम जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, उस जब हम चाहें बैंक से जमा की हुई राशि निकाल सकते हैं और जिसको चाहें उसको हम दे सकते हैं। अगर हम लोन लेना जाएं, लेने के लिए जाएं बैंक में, तो हमको लोन नहीं मिलता है। और सेम यही प्रक्रिया खून की है। अगर हम खून डोनेट करते हैं तो हमको मार्कशीट मिलता है, जो ब्लड बैंक का पासबुक होता है, वो पासबुक से जितनी बार भी हम डोनेट करेंगे उतनी बार हमको पासबुक मिलेगा। और वो पासबुक से हम जिसको चाहें और जब चाहें, जैसे एटीएम से जब चाहें पैसा निकाल लेते हैं, वैसा वो पासबुक है। हम जब भी चाहें अपने दोस्त अहबाब, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे और अपने आप को भी, अगर जब भी हमको खून की ज़रूरत है तो पासबुक से हमको खून मिल जाएगा, जो हमको डोनेट करने बाद कार्ड मिलता है। और जितनी बार आप डोनेट करेंगे उतनी बार आपको कार्ड मिलता है। और डोनेट ना करने से हमको नुकसान क्या है? शरीर में जैसे गाड़ी में आयल बदलने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आयल ना बदला जाए तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, गाड़ी जल जाती है, वैसा हमारी शरीर है। अगर हम खून हर 3 महीने पे या 6 महीने पे डोनेट ना करें तो इससे खून हमारा वक्त जैसा गुजरता जाता है वैसा हमारा खून गाढ़ा होता जाता है। तो वो हमारे शरीर में खून नहीं, वो हमारे शरीर में एक हिसाब से इन्फेक्शन या कचरा समझो, वो खून की जगह पे कचरे का काम करता है, जिससे हमको हार्ट अटैक की जैसी बीमारियां पैदा होती है, कैंसर की जैसी हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती है, या बड़ी से बड़ी बीमारियां हमारे जो शरीर में पैदा होता है खून के कारण होता है। अगर हम खून हर 3 महीना या 6 महीने पे डोनेट करते रहें, इससे हमको
फ्री में जांच हो जाती है पूरी शरीर की, और शरीर के अंदर 24 घंटे के अंदर जो हमारे खून डोनेट करते हैं 1 पॉइंट, तो वो खून 24 घंटे के अंदर उतना खून हमारे शरीर में बन जाता है। हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं है फ़ायदे के सेवा, और हमको ये सब पता ही नहीं कि डोनेट होता क्या है, इससे हमारा फ़ायदा क्या है। मोटापा जो आज लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, गुस्सा होता है, घर में विवाद होता है, बीवी बच्चों को मारते हैं, ये खून ना डोनेट करने का कारण है। अगर डोनेट करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा दिमाग शांत रहेगा, हमको गुस्सा नहीं आएगा और बीमारियाँ बड़ी से बड़ी बीमारियाँ हमारे शरीर में नहीं पैदा होगी। ये डोनेट मैं दूसरी बार किया हूँ और इतना मेरा उम्र हो गई है, आज 35 साल उम्र हो गई है, मुझे पता भी नहीं था कि डोनेट होता क्या है। अगर मुझे पता होता तो मैं 18 साल से ही डोनेट करना चालू कर दिया होता। अब मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इससे हमारे शरीर का तो फ़ायदा आप सुन लिए, और इससे आवाम का क्या फ़ायदा है। आवाम का इसमें यह फ़ायदा है, जो डिलीवरी के समय औरतों का डेथ हो जाता है या एक्सीडेंट होने के बाद खून ना मिलने के कारण लोगों का जो डेथ हो जाता है, अगर हम खून डोनेट करेंगे, आज जो गली गली में जहाँ भी देखो बैंक है, और खून बैंक आप नहीं पाते हो, सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही खून बैंक मिलता है कहीं कहीं। अगर हम देश में जितने भी व्यक्ति हैं या दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं 18 साल से लेके 60 साल के बीच के लोग, अगर सबके सब डोनेट करने लगे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में छोटे हॉस्पिटल हो या बड़ा हॉस्पिटल हो या सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर जगह खून बैंक मौजूद रहेगा। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम आएँ डोनेट करें और लोग को फ़ायदा दें, और लोग को जब खून मिलेगा वक्त पे तो लोग का डेट नहीं होगा। आज वक्त पे खून नहीं मिलता है कि हमने डोनेट ही नहीं किया रहता है, तो हमको खून ना मिलने के कारण लोग का डेट हो जाता है। अल्लाह ना करे कि हमारे घर में किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाए और हमने डोनेट नहीं किया है और डेट अगर हो जाता, फिर हमको पता चलता अगर हमने डोनेट किया होता तो आज हमारे पास मार्कशीटें होती, आज हमारे पास जो है खून पासबुक होता, तो आज हम अपनी माँ बहन, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बीवी बच्चे को, दोस्त अहबाब का हम जान बचा सकते हैं। हमको बहुत दुख होता है, वक्त जब वक्त गुजर जाता है तो हमको पता चलता है। ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय की है कि मीडिया पे आएं और डॉक्टरों को भी लाएं, आवाम को भी लाएं, हर महीने में एक बार कम से कम खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते एक बार कम से कम महीने में डिबेट होना चाहिए। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं भी सिराज भाई के माध्यम से रक्तदान करने आया हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। मैं भी पहली बार डोनेट करने आया हूँ, अच्छा फील हो रहा है, हर किसी को करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को। गरीबों में फ़ायदा भी होगा, हर किसी को फ़ायदा हो सकता है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए।